बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रब्बी अशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरमा साथियों किराम, अब हम आपके साथ अर्ली लर्निंग डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स के बारे में तबादला ख्याल करेंगे। सबसे पहले कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, ये अर्ली लर्निंग डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ये नसाब किताब में कहाँ फिट इन होते हैं, सबसे पहले मैं इससे शुरू करूँगा। जो कौमी इब्तदाई बचपन की तालीम का जो नसाब है, इसके हवाले से आपको तो इल्म होगा कि इसमें कोई मकासद, सबसे पहले मकासद का तयन किया जाता है, जिनको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, इसको असलोज भी कहते हैं, स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इन मकासद को सामने रखकर इसकी कंटेंट्स तैयार किए जाते हैं, कॉम्पिटेंसीज क्या होंगी और कॉम्पिटेंसीज के मिलता जुलता स्टैंडर्ड क्या होते हैं, कि मयार क्या है, कि ये जो बच्चे मुख्तलिफ उम्र के हैं, 3 साल का 4 साल का 5 साल का, इनके ज़बान दानी के हवाले से, जिस्मानी नशोनुमा के हवाले से, ज़हनी नशोनुमा के हवाले से, तख्लीकी सलाहियतों के हवाले से क्या स्टैंडर्ड, एवरेज क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए जिन पर ये बच्चे पूरे उतरें। तो इस तरह स्टैंडर्ड तय किए जाते हैं, मयार तय किए जाते हैं, और स्टैंडर्ड और मयार बहुत ज़रूरी होते हैं बच्चों की नशोनुमा के हवाले से। जब तक ये स्टैंडर्ड आप तय नहीं करेंगे, आप मयार मकर्रर नहीं करेंगे, आप इवेल्यूएट नहीं कर सकेंगे, आप अपनी अचीवमेंट को असेस नहीं कर सकेंगे कि क्या जिस स्टैंडर्ड तक बच्चे को पहुंचना था वो पहुंच सका है या नहीं पहुंच सका, और इस स्टैंडर्ड तक पहुंचाने के लिए क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, असातिज़ा को क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी होता है। इस हवाले से स्टैंडर्ड तय किए जाते हैं। अर्ली लर्निंग डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स का मतलब यह है कि अर्ली लर्निंग शुरू की उम्र में, इब्तदाई उम्र में जो बच्चे लर्न करते हैं और जो उनकी डेवलपमेंट होती है, उसके मायार क्या हैं, स्टैंडर्ड क्या हैं जिन पर इन बच्चों को पूरा उतरना ज़रूरी होगा। और ये मायार तकरीबन हर एज ग्रुप के हवाले से मुख्तलिफ होंगे। 3 साल के बच्चे के लिए मयार डिफरेंट होगा, 3.5 साल के लिए और होगा, 4 साल के लिए और होगा, 5 के लिए और होगा, क्योंकि जिस्मानी नशोनुमा जो होती है वो बड़ी तेज़ी से होती है। अब 3 साल के बच्चे और 4 साल के बच्चों का आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। 3 साल के बच्चे नशोनुमा के लेवल से काफ़ी पीछे होते हैं बनस्बत 4 साल के, दौड़ कूद में, उठने बैठने में, चलने फिरने में। तो जितना ये टाइम पीरियड कम होगा, यानी हर माह 3 साल 1 माह के बच्चों के स्टैंडर्ड अलग हों, 3 साल 2 माह के बच्चों के स्टैंडर्ड अलग हों, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये टाइम के साथ, वक्त के साथ इनका बड़ा ताल्लुक होता है। तो अर्ली लेवल पे लर्निंग के, अचीवमेंट के जो स्टैंडर्ड, जो मयार तय किए जाते हैं, जो तय किए गए हैं, इनको अर्ली लर्निंग डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स कहते हैं। अब मैं आपसे साथ शेयर करूँगा स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। स्टैंडर्ड के हवाले से 2 चीज़ें जहन में ज़रूर रखें। एक होता है टू नो और दूसरा टू बी एबल टू डू। यानी स्टैंडर्ड के हवाले से ये बात कि जानना, वाकफियत हासिल करना, मालूम करना किसी चीज़ को, ये एक पहलू है इसका। और वाकफियत हासिल करके, कोई चीज़ जान कर, कुछ मालूमात हासिल करके इस काबिल हो जाना कि वो ऐसा काम, ऐसी एक्टिविटी कर भी सके, ये 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। तो स्टैंडर्ड इन फैक्ट ये होता है कि बच्चे की एबिलिटी या कैपेसिटी को देखना होता है कि टू नो समथिंग एंड टू बी एबल टू डू समथिंग। मसलन ये मैं इस मिसाल से वाज़ह करता हूँ कि अगर एक बच्चा जानता है कि सेहत, सफाई बहुत ज़रूरी है, घर की सफाई, क्लासरूम की सफाई, कपड़ों की सफाई, जिस्म की सफाई, इसकी बड़ी अहमियत है, ये बहुत ज़रूरी है, ये तो जानने की हद तक है, टू नो समथिंग। लेकिन जानता है लेकिन वो करता नहीं, कर नहीं सकता, उसमें करने की कैपेसिटी नहीं है, उसको सिखाया नहीं गया, नॉट बी एबल टू डू, तो वो स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतरता। तो स्टैंडर्ड
भाई कोई बच्चा उस वक्त पूरा उतरेगा जब उसको जान भी हो, जान पहचान भी हो, वक्फियत भी हो, इल्म भी हो, लेकिन साथ साथ वो कर भी सके। तो इसलिए स्टैंडर्ड वो होता है जिसमें जो बच्चा टू नो समथिंग एंड बी एबल टू डू समथिंग। तो इसके दो हिस्से होते हैं स्टैंडर्ड के। इस हवाले से एक कुछ स्टूडेंट स्टैंडर्ड्स हमने जो ELDS डेवलप किए हैं, अर्ली लर्निंग डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स में तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक ये कि बच्चों के स्टैंडर्ड क्या होंगे, बच्चे किस लेवल पे पूरे उतरने चाहिए, आने चाहिए। दूसरे असातज़ा के स्टैंडर्ड, असातज़ा के स्टैंडर्ड से मतलब यह है कि असातज़ा किस तरह एक्टिविटीज़ करवा सकें बच्चों को, कोई प्रोग्राम चला सकें, वक्फियत पहुँचा सकें, दे सकें बच्चों को कि बच्चे जान भी सकें और उसको करने के काबिल भी हो सकें। तो असातज़ा के लिए ये स्टैंडर्ड है कि वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें, डिज़ाइन करें और उसमें बच्चों को उस एक्टिविटीज़ से गुजारें। फिर एक तीसरी चीज़ इन स्टैंडर्ड में है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का मतलब यह है कि ये जो स्टैंडर्ड बच्चों को जिस मयार पर हम लेकर आना चाहते हैं, इनको असेस करने के कुछ पैमाने हैं, कुछ मयार हैं, कुछ आजमाइश के कुछ हमने डिवेलप किए हैं, कुछ सूल डिवेलप किए हैं, इनको इंडिकेटर कहते हैं। तो अगर आप देखेंगे ELDS का जो हमारा डॉक्यूमेंट है, इंशाल्लाह आपको कॉपी भी फ्रॉम करेंगे ताकि आप उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन पता कर सकें, इसमें तीन अहम चीज़ें होंगी। हर डोमेन, सात डोमेन होंगी, उन सात डोमेन में से हर एक डोमेन के ऊपर बच्चों के स्टैंडर्ड तय किए होंगे, असातज़ा की स्टैंडर्ड कि वो एक्टिविटीज़ की निशानदेही की गई होगी कि ये एक्टिविटीज़ असातज़ा करवाएं ताकि बच्चे स्टैंडर्ड पे पूरे उतर सकें। और फिर तीसरी चीज़ आप देखेंगे आखिर पे इंडिकेटर दिए होंगे कि मेजर करने के लिए कुछ पैमाने दिए होंगे कि ताकि असातज़ा, पेरेंट्स, जो भी अर्ली चाइल्डहुड से वाबस्ता है वो इन पैमानों के ज़रिए, इन इंडिकेटर के ज़रिए असेस कर सके, इवेल्यूएट कर सके, मेजर कर सके कि क्या बच्चा उस स्टैंडर्ड पर पूरा उतरता है या नहीं उतरता। तो ये था स्टैंडर्ड्स, स्टूडेंट्स के स्टैंडर्ड्स। मैं थोड़े सा इंट्रोडक्शन करा दूं आपको कि जहाँ स्टूडेंट्स के स्टैंडर्ड होते हैं और टीचर के स्टैंडर्ड होते हैं, वहाँ स्कूल के स्टैंडर्ड भी होते हैं, यानी प्रोग्राम जो स्कूल में चलाया जाए उसके भी स्टैंडर्ड के, स्कूल में वो जो प्रोग्राम चलाया जाए उस प्रोग्राम के लिए ये बुनियादी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ये सर्विसेज होनी चाहिए। अगर उस पर वो स्कूल वो प्रोग्राम पूरा उतरता है तो वो स्कूल के स्टैंडर्ड जो तय हुए हैं वो स्कूल उस पर अच्छे परफॉर्म करेगा, लेकिन अगर वो उसमें फैसिलिटीज़ नहीं हैं, वो सर्विसेज़ नहीं हैं, तो वो स्कूल उस स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतरता। सिमिलरली कम्युनिटी या पेरेंट्स के स्टैंडर्ड होते हैं कि पेरेंट्स को इस बच्चों के हवाले से इन 6-7 एरियाज़ में ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये नॉलेज होना चाहिए, और फिर बच्चों को सपोर्ट करें, बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ करें, घर में ऐसा माहौल क्रिएट करें कि वो बच्चे उस पर पूरा उतरें। तो ये फैमिली के स्टैंडर्ड होते हैं। तो स्टूडेंट स्टैंडर्ड हैं, टीचर स्टैंडर्ड हैं, फैमिली स्टैंडर्ड्स हैं, स्कूल के स्टैंडर्ड्स हैं और सिस्टम के स्टैंडर्ड्स हैं। तो ये स्टैंडर्ड्स की हमने जो इंट्रोडक्शन आपके साथ बहस किया, इंट्रोडक्शन दी है, इसमें ये 5-7 किस्म के स्टैंडर्ड हैं और बेसिक फोकस हमारा, मेन फोकस जो होगा वो स्टूडेंट स्टैंडर्ड्स पर होगा और टीचर्स के स्टैंडर्ड्स में एक्टिविटीज़ होगा उस पर हम इंशाल्लाह डिटेल में बहस करेंगे। नेक्स्ट अगले मरहले में हम इस पे चीज़ पे बहस करेंगे या गुफ्तगू करेंगे कि ये जो 7 डोमेन्स क्या हैं बच्चे की शख्सियत की नशोनुमा के हवाले से, और उनके हर डोमेन के हवाले से हमें कुछ स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे कि स्टैंडर्ड किस तरह तय किए जा सकते हैं और क्या पॉसिबल स्टैंडर्ड हो सकते हैं। 7 डोमेन में एक डोमेन है बच्चे की सोशल एंड पर्सनल जो डेवलपमेंट है वो, एक डोमेन इसकी होती है बच्चे की स्पिरिचुअल एंड मॉरल डेवलपमेंट, फिर इसकी एक डोमेन है फिजिकल डेवलपमेंट जो जिस्मानी नशोनुमा इसको आप कहते हैं, फिर इसकी एक डोमेन है ज़हनी नशोनुमा जिसमें जज्बाती नशोनुमा आ गई, पसंद नापसंद सारी चीज़ें आ जाती हैं, फिर इसकी एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, कॉग्निटिव डोमेन है जिसमें बच्चा इमेजिन करता है, थिंक करता है, मैथ
ریاضی کی بنیادی صفرات سیکھتا ہے، پھر زبان دانی کے حوالے سے ایک ڈومین ہے، پھر اس کے علاوہ ایک ڈومین اس کی جو ہے وہ ورلڈ اراؤنڈ ہے، ارد گرد کے ماحول سے شناسا ہو، اس سے واقفیت حاصل کرے، ماحول کے سے چیزوں کو پہچان سکے، پھر ایک ڈومین کریٹو آرٹ کی ہے، تخلیقی صلاحیتیں بچوں کی پروان چڑھے۔ یہ سات ڈومینز ہیں، ان سات ڈومینز کے حوالے سے ہم نے اپنے نصاب میں، اپنے ٹیچنگ لرننگ مٹیریل میں، ٹیچر ٹریننگ میں ان کو یہ سکھاتے ہیں یا سیکھتے سکھاتے ہیں کہ ان کے آبجیکٹیوز کیا ہوں گے، کمپیٹنسیز کیا ہوں گی، بینچ مارک کیا ہوں گے، اسٹینڈرڈس کیا ہوں گے۔ تو میں اسٹینڈرڈس پہ آج بات کروں گا۔ اسٹینڈرڈس کے حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ نہ تو وہ اتنا آسان ہو کہ ہر بچہ کر سکے، آسانی سے کر سکے، وہ بھی اسٹینڈرڈ نہیں ہے، اور نہ وہ اتنا مشکل ہو کہ میجارٹی آف دا چلڈرن وہ نہ کر پائیں، ان کی بس سے باہر ہو۔ مثلاً ایک میں اس کو مور زیادہ کنکریٹ کروں یا زیادہ ٹھوس مثال دینے کے لیے، جسمانی نشو نما ایک ڈومین ہے، اس میں ہم نے بچوں کی بڑے عضلات، آت پاؤں، اس کی جو ڈیولپمنٹ دیکھنی ہے، اس کو اسٹینڈرڈ طے کرنے ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ایک بچہ، 3 سال کا بچہ 10 فٹ تک بال پھینک سکے، یہ اسٹینڈرڈ ہو، تو اب ہم نے دیکھ اس کو ٹرائی آؤٹ کرنا ہے، ٹیسٹ کرنا ہے۔ اگر وہ 10 فٹ تک 80% بچے وہ بال نہ پھینک سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسٹینڈرڈ بہت مشکل ہے، یہ اسٹینڈرڈ نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ اس میں 80% بچے کر سکتے ہیں، 20% نہیں کر سکتے، تو یہ بڑا آسان ہے۔ ایک ایوریج 60% پہ ایک ایوریج آتی ہے کہ اگر کوئی بچے ایک کام، ایک ایکٹیویٹی، ایک کمپیٹنسی بچوں کی اگر 60% بچے ایوریج ملک کے کر سکیں تو وہ ایک اسٹینڈرڈ ہو سکتا ہے۔ 60 سے اوپر اگر کوئی پرسنٹیج چلے جاتی ہے تو وہ مشکل ہو جائے گا، یعنی اگر نہ کر سکیں، اور اگر سارے 80% تک وہ کر سکیں تو بہت آسان ہو جائے گا۔ تو جب بھی آپ کوئی اسٹینڈرڈ طے کریں تو آپ ایک ایوریج رکھیں، اراؤنڈ 60% بچے وہ کام کر سکیں، تو یہ اسٹینڈرڈ بن جائے گا تاکہ اس پہ لوگ بچے اچیو کر سکیں۔ اب اسٹینڈرڈ بڑا اسپیسیفک ہوتا ہے، جنرل اسٹینڈرڈ نہیں ہوتا، اتنا اسپیسیفک ہو کہ کہیں ملک کے کسی حصے میں بھی کسی نے کوئی ٹریننگ نہیں کی، کسی ٹیچر نے کوئی اس بارے میں نہیں پڑھا، تو وہ اس اسٹینڈرڈ کو دیکھ کر سمجھ سکے کہ کیا اسٹینڈرڈ طے کیا گیا۔ مثلا اگر میں یہ کہوں کہ 10 فٹ تک بچہ بال پھینک سکے تو یہ بالکل اسپیسیفائی نہیں ہے، یہ بہت جنرل ہے، کیونکہ بال کس چیز کا؟ بال بڑا بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، ہاکی کا بھی بال بھی ہو سکتا ہے، فٹ بال کا بال ہو سکتا ہے۔ اس سے بہتر اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ پھر دوسری بات یہ ہے کہ کون سا بچہ، 3 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ، 3 سال 5 سال میں بڑا فرق ہے۔ پھر اگر ہم یہ کہیں کہ 3 سال کی عمر کا بچہ ہاکی کا بال 10 فٹ تک پھینک سکے تو یہ نسبتاً بہتر اسٹینڈرڈ طے ہوا ہے بہ نسبت ایک جنرلائز قسم کی اسٹیٹمنٹ کے۔ تو جتنا کسی اسٹینڈرڈ پہ اسپیسیفک کیا جائے گا اتنا ہی وہ اسٹینڈرڈ اچھا اسٹینڈرڈ بنے گا۔ اس میں بھی میل فی میل کا بھی ایک بھی فرق ہے۔ اگر ہم کہیں کہ 3 سال کا بچہ یا 3 سال کی بچی، یا بچیوں کے لیے سرٹنلی جسمانی نشو نما میں بچوں سے ذرا معیار ڈفرینٹ ہوں گے، یا 3 سال کا ہم کہتے ہیں کہ میل بچہ ہاکی بال 10 فٹ کی لینتھ تک پھینک سکے، یہ اسٹینڈرڈ طے کیا جا سکتا ہے، اور کوشش کی جائے کہ پھر وہ اگر یہ اسٹینڈرڈ ویلیڈیٹ کیا یا ویلڈ ہے تو سارے بچوں کو اس تک لانے کی کوشش کی جائے گی، دوڑ کھیل کود کے ذریعے، اس کے جسم اعضاء کی نشو نما کے ذریعے اس اسٹینڈرڈ تک لانے کی کوشش کی جائے گی، اساتذہ وہ اسٹینڈرڈ اچیو کرنے کی کوشش کریں گے، پھر اساتذہ ایسی ایکٹیویٹیز کرائیں گے کہ وہ بچہ یا بچی اس اسٹینڈرڈ کو اچیو کر لے۔ اسی طرح مثلا یہ گراس موٹر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہے، فائن موٹر ڈیولپمنٹ، اس میں چھوٹے اعضاء کی نشو نما ہے، اس میں آپ ایک اسٹینڈرڈ طے کرتے ہیں کہ 4 سال کا بچہ یا بچی
सुई में धागा डाल सके। अगर ये 60% बच्चे कर सकते हैं तो स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, लेकिन अगर 80% 90% कर सकते हैं तो बहुत आसान हो गया, स्टैंडर्ड नहीं है, और अगर 20% भी नहीं कर सकते तो ये बहुत ही मुश्किल हो गया। तो 60% बच्चे अगर फिर आपने टेस्ट आउट करना है, अगर वो कर सकते हैं तो फिर आपका एक स्टैंडर्ड तय हो जाएगा, और आप कोशिश ये करेंगे कि अपने क्लास के बच्चों को फाइन मोटर डेवलपमेंट के इस पहलू में ऐसी एक्टिविटीज़ कराएँ कि कम अज़ कम 4 साल का बच्चा आसानी से सुई में धागा डाल सके, या मन का बीड है उसमें धागा डाल सके, या किसी दायरे में रंग भर सके, या कोई शक्ल मसलस है, मुस्ततील है, मरबा है, उसको पहचान सके शक्ल को, फिर उसके कागज़ पे अगर उसको ट्रेस कर दी जाए पेंसिल से तो वो काट सके। तो ये एक इस तरह स्टैंडर्ड तय हो गए। तो अर्ली लर्निंग डेवलपमेंट स्टैंडर्ड के हवाले से काफ़ 100 से ऊपर मिसाल के तौर पर समझाने के लिए स्टैंडर्ड तय किए गए, और वो आप जब पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी डिटेल में पता चल जाएगा कि जिस्मानी रहनुमा में क्या कुछ कौन कौन से पहलू हैं, उसमें क्या स्टैंडर्ड बच्चों के तय हो सकते हैं। मसलन हिफ्ज़ान सेहत और सफाई के हवाले से ये इंफॉर्मेशन बच्चों को मिले, उसको वाकफियत हो, उनको इस चीज़ का इल्म हो कि गली सड़ी सब्जियाँ या गले सड़े फल खाने से बच्चे बीमार हो सकते हैं, ये बीमारी फैल सकती है। ये इंफॉर्मेशन अगर बच्चों को है, ये इल्म है, ये मालूमात हैं, तो स्टैंडर्ड के एक हिस्से पे पूरे उतर रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा स्टैंडर्ड का ये है कि न सिर्फ उनको इंफॉर्मेशन हो बल्कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी उससे बचें, वो ऐसी चीज़ें से इज्तनाब करें जिससे बीमारी फैल सकती है, खा वो मक्खी ऐसी चीज़ें हों जिन पर मक्खियाँ बैठी हों, या गले सड़े फलों और सब्जियों। तो अगर वो बच्चा उसको मालूमात भी है, उसको इल्म भी है, और प्रैक्टिकली वो उस पर अमल भी करता है, तो उसका मतलब है कि वो बच्चा उस स्टैंडर्ड पे बुरा उतर रहा है। ये तो बच्चे का स्टैंडर्ड। अब उस्ताद का स्टैंडर्ड ये है कि उसने ऐसी एक्टिविटीज़ करानी है, ऐसा माहौल क्रिएट करना है जिसके तहत बच्चे हिफ्ज़ान सेहत और सेहत सफाई की अहमियत ज़रूरत का उस बच्चों को अच्छी तरह इल्म हो जाए, और वो बच्चे कम्पिटेट हो जाएं कि वो अफसाने सेहत के उसूलों पर अमल कर सकें। ये कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं जिस्मानी नशोनुमा और अफसाने सेहत और सफाई के हवाले से स्टैंडर्ड क्या हो सकते हैं, असातिज़ा को क्या करना चाहिए, और फिर इनको मेयर करने के लिए कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं, ऑब्ज़र्व किया जा सकता है कि बच्चों क्या सफाई की क्या अहमियत है, गले सड़े फल खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए, इनके खाने से क्या होता है। तो इस तरह कुछ पूछ कर, ये इंडिकेटर हैं मेयरमेंट के, सवाल पूछ कर ऑब्ज़र्व करके देखा जा सकता है कि क्या ये जो स्टैंडर्ड जिस पे बच्चे को उतरना था इस पे ये बच्चे पूरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं। ये है इंडिकेटर। तो स्टूडेंट स्टैंडर्ड, टीचर स्टैंडर्ड और इंडिकेटर, दुआ वालों से आपके साथ बात की। मोहतरमा साहब का नाम, मैंने दो डोमेन्स के हवाले से स्टैंडर्ड, स्टूडेंट स्टैंडर्ड, टीचर स्टैंडर्ड और इंडिकेटर की बात की। अब मैं बाकी जो 4-5 डोमेन रह गई हैं मुख्तसरन आपसे उस पर थोड़ा सा गुफ्तगू करूँगा, टाइम थोड़ा सा बड़ा शार्ट है। एक डोमेन है मॉरल वैल्यूज़, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के हवाले से बच्चे की डेवलपमेंट है। अब स्पिरिचुअल वैल्यूज़ में बच्चों को ये इल्म होना चाहिए, मसलन अगर मुसलमान बच्चा है, तौहीद का कॉन्सेप्ट क्या, अल्लाह वाहिद है, ला शरीक हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी हैं, जब भी कोई किसी से मिले तो अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन बच्चे को होनी चाहिए, और वो प्रैक्टिकल भी वो ग्रीटिंग करे। इस तरह कोई नॉन मुस्लिम बच्चा है तो उसको अपने मज़हब का पता होना चाहिए, बेसिक्स चीज़ें, बिल्कुल बेसिक चीज़ें उस बच्चे को पता होनी चाहिए। उस बच्चे को ये पता होना चाहिए कि जब किसी से मिला जाए तो किस तरह ग्रीटिंग, किस तरह दुआ सलाम किस तरह की जाती है, गुड मॉर्निंग है या सुबह बखैर है, जो कुछ भी उस कल्चर में, उस मज़हब में वो ग्रीटिंग का तरीका उसको पता होना चाहिए। अब ये एक मॉरल वैल्यूज़ के हवाले से एक या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के हवाले से एक हिस्सा है कि उसको पता होना चाहिए इसकी अहमियत है। जब भी मैंने अस्सलाम वालेकुम कहें, सुबह बखैर कहें, गुड मॉर्निंग कहें, बट सुहावर। अब इसका दूसरा हिस्सा है कि वो बच्चा कर भी सके, करता भी हो, उसकी ये ज़िंदगी का हिस्सा भी बना हुआ हो, आदत भी हो। ये इसके लिए असातिज़ा को पहले तो बताना होगा कि इसकी अहमियत क्या है, और फिर ऐसा माहौल क्रिएट करना होगा, ऐसी एक्टिविटीज़ करनी होंगी कि
बच्चे बच्चा उस स्टैंडर्ड में पूरा उतरे, उस चीज़ को अपनी आदत बना ले, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले। मसलन ये कि जब उस्ताद ख़ुद क्लासरूम में दाखिल हो तो सबसे पहले बच्चों को अस्सलामु अलैकुम कहे, या जिस तरह जो कुछ और तरीके से कोई ग्रीटिंग है तो वो कहे, और सारे बच्चे उसका जवाब दें वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम कह के उसका जवाब दें। और ये रोज़ का मामूल बना दिया जाए। फिर जब भी कोई बच्चा क्लास में आए तो उस्ताद ऑब्ज़र्व करे कि उसने आकर बच्चों को सलाम किया, उस्ताद को सलाम किया, दूसरे लोगों को असातिज़ा को मिला तो उसने सलाम किया, ये ऑब्ज़र्व करे, इसको असेस करे। इस तरह ऐसी एक्टिविटीज़ कराए उस्ताद, ऐसा माहौल क्रिएट करे, ऐसे कंड्यूसिव माहौल क्रिएट करे कि बच्चे उस स्टैंडर्ड के हवाले से मालूमात भी हासिल करें और उसको करने के भी काबिल हो सकें। तो ये एक उस्ताद का स्टैंडर्ड भी होगा, स्टूडेंट का स्टैंडर्ड। अब इसको मेजर किस तरह करना है, इंडिकेटर क्या होगा? अब इंडिकेटर यही है कि एक उस्ताद ऑब्ज़र्व करे कि एक ख़ास बच्चा है, उसको देख ऑब्ज़र्व करे कि हफ़्ते में कितनी दफ़ा वो क्लास में उसने अस्सलाम अलैकुम कहा, कितने लोगों से मिला, कितने दफ़ा कहा, कितने परसेंट बच्चे को ये आदत है कि वो जब भी किसी से मिलता है तो अस्सलाम अलैकुम कहता है, कितने परसेंटेज या कितने वक्त दफ़ा ऐसा हुआ किसी मखसूस वक्त में किस बच्चे ने ये अस्सलाम अलैकुम नहीं कहा या सुबह गुड मॉर्निंग नहीं कहा। तो ये उस्ताद ऑब्ज़र्व करता रहेगा और फिर देखता रहेगा कि क्या बच्चे में ये आदत आ गई, वो इंडिकेटर आ गया, वो स्टैंडर्ड आ गया, वो बच्चा उस स्टैंडर्ड पे पूरा उतरता है। फिर वो कितने परसेंट बच्चे क्लास के स्टैंडर्ड पे पूरे उतरते हैं, तो भैया ये इंडिकेटर्स हैं मेजर करने के लिए, जो स्टैंडर्ड है वो टीचर उसको मेजर कर सकता है और वो ऑब्ज़र्व करता रहे और मेजर करता रहे। तो ये मॉरल वैल्यूज़ के हवाले से, वैसे मॉरल वैल्यू स्पिरिचुअल और मॉरल वैल्यू के हवाले से ये भी है कि मखसूस दुआएँ हैं सुबह उठने की, बाथरूम जाने की, क्या कहते हैं मस्जिद में जाने की, या खाना खाने के बाद की दुआएँ, पानी पीने के बाद की दुआएँ। तो एक तो उन बच्चों को आनी चाहिए, और ना सिर्फ आनी चाहिए बल्कि वो उस पर वो दुआएँ मखसूस वक्त में सही मुकम्मल के हवाले से वो दुआएँ पढ़ें भी और उसको उस पर अमल भी करें। तो ये स्पिरिचुअल मॉरल वैल्यू के हवाले से कुछ स्टैंडर्ड्स हैं तय, ELDS में कुछ तय किए गए हैं। असातिज़ा ख़ुद भी अपने स्टैंडर्ड मिलकर तय कर सकते हैं कि 3 साल के बच्चे को ये दुआएँ आनी चाहिए, 4 साल के बच्चे को ये दुआएँ आनी चाहिए, 5 साल के बच्चे को ये दुआएँ आनी चाहिए, और फिर उस पर देखें का अमल भी करें। तो ये स्पिरिचुअल मॉरल वैल्यू के हवाले से कुछ स्टैंडर्ड आपके साथ शेयर की। अब एक स्टैंडर्ड मसला ये है कि ज़हनी नशोनुमा। अब ज़हनी नशोनुमा में जो चीज़ें आती हैं कि बच्चा अपनी पसंद नापसंद का इज़हार कर सके, बच्चा जो है वो कॉन्फिडेंस से दूसरे से बात कर सके, अपने घर में फैमिली से दूसरे लोगों से जब बात करे तो उस बात अपने माफियो ज़मीर बयान कर सके, अपने ख्यालात का इजहार कर सके, ये मुख्तलिफ़ पहलू होते हैं ज़हनी नशोनुमा के। फिर ज़हनी नशोनुमा में ये भी चीज़ें भी आती हैं कि दूसरों से हमदर्दी का इजहार करे, अमन सलामती इन चीज़ों को प्रेफर करे, लड़ाई झगड़ों से बचे, गाली गलौज से बचे, भाईचारा दोस्ती के जज्बे उसमें हों, ये ज़हनी नशोनुमा है। और इसमें से हर एक के हवाले से स्टैंडर्ड तय किए जा सकते हैं और उन स्टैंडर्ड पे अमल फरा होने के लिए असातिज़ा का स्टैंडर्ड ये है कि वो ऐसे प्रोग्राम करवाए, ऐसी एक्टिविटीज़ करवाए, ऐसा माहौल क्रिएट करे अपने स्कूल में क्लास में कि बच्चे मैक्सिमम उस स्टैंडर्ड को अचीव करने के काबिल हो सकें। और फिर मैं आगे नहीं कहूँ कि ये स्टैंडर्ड इतना मुश्किल भी नहीं होना चाहिए कि आप बच्चे को पहली जमात से या 3 साल के बच्चे को या 4 साल के बच्चे को कहें कि बच्चा इस काबिल हो जाए कि वो सोशल सर्विस कर सके, या अब ये 4 साल का या 3 साल का बच्चा को सोशल सर्विस एजिटिव तो नहीं कर सकता ना, मोहल्ले की सफाई तो नहीं कर सकता, या घर क्या कहते हैं स्कूल की ओवरऑल सफाई तो नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम अपने जिस्म की सफाई, अपने कपड़ों की सफाई, नाखून की सफाई, ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो बच्चा सेहत और सफाई के हवाले से भी अचीव कर सकता है। तो ये 3 मैंने कहा आपके साथ शेयर किए हैं, जिस्मानी नशोनुमा के स्टैंडर्ड, फिर ज़हनी नशोनुमा के स्टैंडर्ड, हिफ्ज़ान सेहत और सफाई के हवाले से कुछ स्टैंडर्ड की जस्ट मिसालें दिए। और अब मैं आपके साथ शेयर करूँगा गिर्द माहौल के हवाले से, वर्ल्ड अराउंड उसका इंफॉर्मेशन हो, मसलन बच्चे को इंफॉर्मेशन हो कि ये इर्द गिर्द जो पौधे हैं ये इनके नाम क्या हैं,
इनकी फ़ायदे क्या हैं। इससे आगे तो मुश्किल है, अगर आप उनकी डिटेल बच्चे से एक्सपेक्ट करें कि वो इन पौधों के हवाले से पौधों की क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, उसमें ख़ुराक के लिए क्या ज़रूरत हैं, पौधों की रोशनी आवाज़। ये कच्ची क्लास या ECE का स्टैंडर्ड नहीं है, ये चौथी पाँचवीं का स्टैंडर्ड ही है कि बच्चे को ये पता हो कि जी पौधे की अफजाइश के लिए कौन कौन से अवामल ज़रूरी हैं, पानी ज़रूरी है, रोशनी ज़रूरी है, ख़ुराक ज़रूरी है। ये चौथी पाँचवीं तीसरी जमात में तो ठीक है, लेकिन पहली या कच्ची क्लास या तीन साल या चार साल को आप ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ सकते हैं या उनको ये जानना ज़रूरी है कि इन पौधों के जो इर्द गिर्द आपके अपने पौधे इनके नाम क्या हैं और इनके क्या फ़ायदे हैं, मुख्तलिफ फल हैं इनके नाम क्या हैं और ये फल लजीज हैं नहीं हैं, इस किस्म की चीज़ें, मस्जिद है आपके इर्द गिर्द, लाइब्रेरी है, स्कूल है, रेलवे स्टेशन है, हवाई अड्डा है, इसके बारे में और जो जनरल इंफॉर्मेशन बच्चे को आनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि इसका मकसद क्या है और ये क्या है। ये इर्द गिर्द के हवाले से, वर्ल्ड अराउंड हवाले के हवाले से, माहौल के हवाले से बच्चों के स्टैंडर्ड को यह समझना चाहिए, आना चाहिए। और असातिज़ा को बच्चों को सैर करा कर, तस्वीरें दिखा कर, मुख्तलिफ एक्टिविटी करा के इर्द गिर्द जो जितनी बच्चों की चीज़ें होती हैं उनके, मतलब पौधे हैं, फल हैं, मौसम है, कोई जगह है, कोई पेशे हैं, मतलब पुलिस मैन है, पोस्टमैन है, उस्ताद है, इन हवालों से बच्चों को मुख्तलिफ तरीक़ों से तस्वीरें दिखा कर, उनके साथ मुलाकात करा कर, ड्रामाटाइज करके, तमसीली अंदाज में बच्चों को सिखाया जा सकता है, स्टैंडर्ड पर लाया जा सकता है कि ये इर्द गिर्द के माहौल से बच्चे रोशनास हो सकें, वाकफ़ हो सकें और उस पर पूरे उतर सकें। फिर एक इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ज़बान दानी के हवाले से स्टैंडर्ड, कि बच्चे को कम अज़ कम रूफ़ तहजी आने चाहिए, उसकी शनाख्त आनी चाहिए, उसको ये मालूम होने चाहिए कि फ़लाँ मसलन अलफ़ जो है इसकी शक्ल के कौन कौन सी चीज़ें क्लासरूम में आप देख सकते हैं, दिखा सकते हैं या बाहर के माहौल में दिखा सकते हैं। तो रूफ़ तहजी की पहचान तीन से पाँच साल के बच्चों के लेवल की स्टैंडर्ड में शामिल है। पर इसी तरह रियाजी के तस्वरात हैं, बस उन्हें एक से नौ तक गिनती उसके इनसे पहचान सके, सिफर का कॉन्सेप्ट उसको पता हो, लंबाई का कॉन्सेप्ट पता हो, गर्म ठंडा हजम का कॉन्सेप्ट हो, तो ये बच्चे के स्टैंडर्ड में आते हैं। और उस्ताद को क्या करना चाहिए, उस्ताद को ऐसी एक्टिविटीज़ कराना चाहिए, मसलन मुख्तलिफ पेंसिलें, मुख्तलिफ स्टिक्स दिखा कर, बच्चे को दिखा कर लंबाई, ये स्टिक लंबी है, ये छोटी है, ये दरमियानी है, ये ऐसी एक्टिविटीज़ कराए। गर्म और सर्द के हवाले से पानी, गर्म पानी, ठंडा पानी, उंगली बच्चों के डालकर, तो खेल खेल में बच्चों को ये सारे कॉन्सेप्ट दिए जाएँ, ये नरम है, ये खुरदरा है, ये मोटा है, ये बारीक है, ये लंबा है, ये पतला है, तो इस तरह मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कराने के काबिल होना चाहिए उस्ताद। अगर उस्ताद ये एक्सपर्ट है और ये सारी एक्टिविटीज़ करा सकता है और वो ऐसा माहौल क्रिएट कर सकता है कि बच्चे सीखें, इसका मतलब है उस्ताद उस स्टैंडर्ड पे पूरा उतरता है, उस्ताद को वो कॉम्पिटेंसी है कि वो बच्चों को ये चीज़ें इस स्टैंडर्ड पे लेकर आए। सीखना उसका असेस करने के लिए इंडिकेटर होगा, मुख्तलिफ सवाल पूछ कर, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करा कर बच्चों से देखा जाए कि वाकई वो बच्चा उस स्टैंडर्ड पर आ रहा है या नहीं आ रहा, बच्चे को उस बारे में इंफॉर्मेशन है या नहीं है। उस्ताद अपने तौर पर सवालात पूछ सकता है, सवालात का सर और एक्टिविटीज़ करा सकता है। इस तरह एक अहम चीज़ तख्लीकी आर्ट है, मतलब क्रिएटिव आर्ट के हवाले से बच्चों के स्टैंडर्ड के, बच्चा कोई चीज़ शक्ल बना सके, बच्चा रंग भर सके, बच्चा कुछ मिट्टी की चीज़ों से या कोई किसी और गूंधे हुए आटे के से या किसी और मटेरियल से कोई खिलौने बना सके, तो ये क्रिएटिव आर्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप स्टैंडर्ड तय कर सकें कि तीन साल का बच्चा कम से कम ये चीज़ें बना सके, चार साल का ये कर सके, पाँच साल का ये कर सके, बच्चों में ये कर सके, बच्चियों में ये कर सकें। तो ये स्टैंडर्ड उम्र के हवाले से, जेंस के हवाले से हम क्रिएटिव आर्ट के भी स्टैंडर्ड तय कर सकते हैं और फिर हम ऐसी ऐसी एक्टिविटी करा सकते हैं कि ये बच्चे वो स्टैंडर्ड अचीव करने के काबिल हो सकें जो हमने तय किए थे। और इसको असेस करने के लिए आपने ये देखना होगा कि क्या एक्टिविटीज़ करा कर बच्चों से मुशाहिदा करके, ऑब्ज़र्व करके उनको, और उनको गाइड करके या उसे उनको उस एक्टिविटी से गुजार कर हम ये असेस कर सकते हैं कि बच्चा क्या बच्चा इस स्टैंडर्ड पर पूरा उतर रहा है या नहीं उतर।